हिमालय में बजी खतरे की घंटी। किसी भी वक्त आ सकता है जल प्रलय। भारत, चीन और नेपाल समेत एशिया के 12 देश संकट में। दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में तेजी से प्रगति करने के चक्कर में हम इंसान कुदरत को हानि पहुंचा रहे हैं। फिर चाहे वो बड़े बड़े जंगल काटकर इमारतें खड़ी करना हो या फिर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस को छोड़कर क्लाइमेट चेंज को बुलावा देना हो, हमारी इन गलतियों की वजह से कुदरत पर काफी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और पर्दे के पीछे प्रकृति में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो आने वाले सालों में इंसानों का अस्तित्व ही मिटा सकते हैं। उन्हीं में से एक बदलाव है ग्लेशियर्स का पिघलना। पिछले कुछ सालों में ग्लेशियर पिघलने की वजह से ग्लेशियर लेक यानी हिम नदीय झीलों का आकार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो कभी भी फट सकती हैं। और ऐसा हुआ तो कितनी तबाही होगी। और हाल ही में इसरो ने इसे लेकर एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। तो आखिर क्या लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में और क्या वाकई में जल प्रलय से पूरी धरती डूबने वाली है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कुछ दिनों पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के साथ पिछले कुछ सालों में तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियर्स पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिन्हें देख भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों की रातों की नींदें उड़ गई हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में इसरो ने हिमालय के ग्लेशियर्स के पिघलने की डेटा के साथ एक बड़ा जल प्रलय आने की शंका जताई है। इतना विशालकाय जल प्रलय जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत को पानी में डुबाने की ताकत रखता है। इसरो ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि हिमालय में मौजूद ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ग्लेशियर लेक यानी हिम नदीय झीलों का आकार और जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1989 में जिस झील का आकार करीब 36 हेक्टेयर था, उसी झील का आकार साल दर साल बढ़ते हुए 2010 में 67 हेक्टेयर हो गया। वर्ष 2014 में यही झील बढ़कर 77 हेक्टेयर में फैल गई थी और 2022 में इस झील का आकार 1989 के मुकाबले 3 गुना बढ़कर 101 हेक्टेयर तक पहुंच गया। इसरो ने अपनी इस रिपोर्ट में आगे बताया है कि साल 2017 में हिमालय में 10 हेक्टेयर से बड़ी कुल 2431 झीलें मौजूद थी, जिनमें से 676 झीलें 1984 के मुकाबले आकार में काफी बड़ी हो गई हैं। इन 676 झीलों में से 601 झीलें आकार में दोगुना से ज्यादा बड़ी हो गई हैं। 10 झीलों का आकार 1.5 से 2 गुना तक बड़ा है, जबकि 65 झीलों का आकार 1.5 गुना तक बढ़ गया है। वहीं इनमें से 314 झीलें 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जबकि 296 ग्लेशियर तालाबों की ऊंचाई 5000 मीटर से भी ज्यादा है। और ओवरफ्लो हो रही झील जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होती है, खतरा उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि जब झील की पानी स्टोर करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो झील फट जाती है, जिससे वो पानी सीधा नदियों में जा मिलता है और बाढ़ आती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि पिछले कुछ सालों में इन झीलों का आकार इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। इसका एकमात्र कारण है ग्लेशियर पिघलना। जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है तो धरती के औसत तापमान में वृद्धि आती है, तब धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलना शुरू होते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक साल 1880 से अब तक धरती का औसत तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जो अगले 2 दशक में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। धरती का तापमान बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में ग्लेशियर और तेजी से पिघलेंगे, जिससे हिमालय में झीलों के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी और एक समय ये झीलें फट जाएंगी, जिससे भयंकर बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाएगा। हिम नदीय झील फटने की घटना साल 2023 में भी हो चुकी है, जब सिक्किम की लोना झील फटने से भयंकर तबाही हुई थी। दरअसल साल 1990 में जिस लोना झील का आकार 0.42 स्क्वायर किलोमीटर था, वो अगले 30 सालों में 3 गुना बढ़कर 2019 में 1.35 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया था। इस झील में 65 मिलियन क्यूबिक फीट पानी भरा हुआ था और 2021 की एक स्टडी में इसे एक टाइम बम की तरह करार दिया गया था। लेकिन सिक्किम के लोग इस झील से आने वाले मीठे पानी पर निर्भर थे, इसलिए इसमें पानी के स्तर को कम करने के कुछ ज्यादा कदम नहीं उठाए गए। दूसरी तरफ लगातार ग्लेशियर पिघलते रहे और झील में पानी की बढ़ोतरी होती रही। अक्टूबर 2023 में लोन झील ओवरफ्लो होकर फट गई, जिस वजह से 180 लोगों की जान चली गई और करीब 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब हिमालय में 600 से ज्यादा झीलों का आकार दोगुना हो चुका है,
जरा सोचिए कि सिर्फ एक ही झील फटने की वजह से सिक्किम में इतनी तबाही हो सकती है, तो हिमालय में 601 झीलों का आकार दोगुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है, तो हमारे सिर पर उन झीलों के फटने का कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो चलिए जानते हैं ग्लेशियर फटने से कौन कौन सी कुदरती आपदाएं इंसानों के दरवाजे पर दस्तक देंगी। सबसे पहले तो हिम नदीय झीलों का आकार बढ़ने से पर्वतों पर भारी दबाव आएगा, जिससे लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन की स्थिति पैदा होगी, और जब कोई ग्लेशियर झील फट जाएगी तो उसके पानी से नदियों में फ्लैश फ्लड आएंगे, और ये बाढ़ किसी बादल फटने की वजह से आने वाली बाढ़ से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होंगी, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को डुबा कर ले जाएगी। फिर वो पेड़ पौधे हों, गाड़ियां हों या फिर बड़ी बड़ी इमारतें, तबाही के इस मंजर में कोई नहीं बच पाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एशिया के कई देश मीठे पानी के लिए हिमालय की हिम नदियों और झीलों पर निर्भर हैं, जिनका पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ बहती हुई नदियों में मिलता है और उन नदियों से हमारे घरों तक पहुंचता है। इसी के साथ जुड़ा है तीसरा बड़ा खतरा। दरअसल जब ग्लेशियर लेक फटने की वजह से किसी नदी में बाढ़ आएगी तो वो नीचे जाते जाते आखिर में समंदर में मिल जाएगी। इस तरह उस ग्लेशियर लेक का पूरा पानी खाली हो जाएगा और उस पानी पर निर्भर लोगों के जीवन में भयंकर जल संकट पैदा हो जाएगा। नेपाल में मौजूद इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट नाम की संस्था ने अपनी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि एशिया के देशों में मीठे पानी का स्रोत ग्लेशियर है, इनके पिघलने से पीने के पानी का संकट खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में पिघलते ग्लेशियर की वजह से एशिया के 12 से ज्यादा देशों में करीब 2 अरब लोगों के लिए पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह ग्लेशियर एशिया की करीब 12 बड़ी नदियों के लिए जल का मुख्य स्रोत है। इनमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां शामिल हैं। ग्लेशियर पिघलने की वजह से आने वाला सबसे बड़ा खतरा है समुद्र में जल स्तर बढ़ना, जो एक या दो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डुबा सकता है। यहाँ तक यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले कुछ सालों में समुद्र का स्तर रिकॉर्ड हाई रफ्तार से बढ़ रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वर्ष 2100 आने तक दुनिया के 5 देश पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। इन देशों में मालदीव्स, तुवालु आइलैंड, मार्शल आइलैंड, नाउरू आइलैंड और किराबती आइलैंड शामिल है, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा और 6 लाख लोग बेघर होकर क्लाइमेट रिफ्यूजी बन जाएंगे, जो वाकई काफी चिंता की बात है। लेकिन समुद्र का जलस्तर इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है, इसे लेकर वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि 2023 पृथ्वी के इतिहास में रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। भले ही दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ झुक रही है, लेकिन फिर भी ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समंदर में पानी का जलस्तर बढ़ रहा है और ये पानी गर्म हो रहा है, जिससे समंदर में जमी बर्फ भी पिघल रही है और पानी में तेज गतिविधियां हो रही हैं, जो आगे चलकर सुनामी जैसा जानलेवा नेचर डिजास्टर को बुलावा दे सकती है। दोस्तों आज भारत भी जल रहा है, पूरे देश का औसतन तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और आने वाले महीनों में हालात और बिगड़ने वाले हैं, जिसका सीधा असर हिमालय में मौजूद ग्लेशियर्स पर पड़ेगा। लेकिन अब सवाल है कि धरती का तापमान इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है। वर्ष 1940 में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 5 बिलियन मीट्रिक टन था, जो कि वर्ष 2021 तक 7 गुना बढ़कर 36 बिलियन मीट्रिक टन पहुंच चुका है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया में गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ा है, हवाई जहाजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसके अलावा बिजली बनाने के कोयले के इस्तेमाल से पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ी है, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। ऐसा होना चिंता की बात है, क्योंकि न सिर्फ हिमालय बल्कि अलास्का और अंटार्कटिका महाद्वीप जैसे दुनिया में कई ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां बर्फीले ग्लेशियर्स के रूप में पानी जमा है, जो अब पिघलकर समंदर के रास्ते को बढ़ा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 80 साल पहले अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे बड़ा डूम्सडे ग्लेशियर पिघलना शुरू हो चुका था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसके पिघलने की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। 130 किलोमीटर चौड़े इस ग्लेशियर की 50 बिलियन टन बर्फ पिघल चुकी है, जिसने वहां से समुद्री स्तर को तो बढ़ाया ही है, साथ इस ग्लेशियर को भी अनस्टेबल बना दिया है, और जब ये पूरी तरह से बिखर जाएगा तो इस महाद्वीप के आसपास के देशों में भयंकर सुनामी आएगी। इसलिए हमें धरती के तापमान को कम करना होगा और इसे ग्लोबल वार्मिंग से बचना होगा, जिसके लिए कुछ जरूरी कदम इस प्रकार है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना होगा, फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल और कोल्स का इस्तेमाल कम करना होगा, और सोलर, हाइड्रो, न्यूक्लियर और विंड जैसी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा,
जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और ग्लेशियर्स पर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, हम इंसानों का इस तरह कुदरत को नुकसान पहुंचाना क्या भविष्य में हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल देगा? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।